मैया बोलो जय जम हर मैया सेवक के सुन जय जय मैया ओ जो प्रभु चढ़े मेवा सूर श्याम शरण आए सुफल की सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोमल आर्ट ऑफ ब्लॉग्स में। और मेरे आज के दिन की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, बट मैं इंट्रो अब शूट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं आई थिंक 9 बजे और हमारी आरती वगैरह हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, हमारी फाइनली आरती वगैरह हो चुकी है और रात को मैंने मेहंदी लगाई थी। इस हाथ की लगाना इन्होंने लगाई नहीं, इसलिए फिर मैंने एक ही हाथ की लगाई। तो अब क्या कर रहे हो आप? ये मिश्री मावा डाल रहे सबको प्रसाद वाला। तो गाइस, आज हम सबका व्रत है। तो अभी मैं तो खा रही हूँ एप्पल, मैं काट के लेके आई हूँ मेरे लिए, और वो बना रहे हैं सबके लिए बनाना शेक। तो पापा ने कहा कि बनाना शेक पीना है, तो वो सबके लिए बनाना शेक बना रहे हैं। और आज मैंने ये चुनरी वाला सूट वेयर किया है। मम्मा ने कहा कि तेरी फर्स्ट नवरात्रि है शादी के बाद, तो तू चुनरी वाला सूट पहनना। और ये बहुत प्यारा सूट लग रहा है, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है सूट का। मम्मा सुबह से बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी लग रही है, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना मेरा ये पूरा सूट आपको कैसा लगा। और एक एक बार तो ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। आज हम चारों का फास्ट है, खाना भी जल्दी बनेगा आज 3-4 बजे। तो सारे सबके लिए चाय, क्योंकि सबको चाय भी नहीं है। हमारी इंडियन फैमिली है, जैसे कि सो कॉल्ड इंडियन फैमिली, तो यहाँ पे सब चाय व्रत हो चाय व्रत ना हो, सब लोग चाय पीना प्रेफर करते हैं सबसे पहले। तो चाय बनाते हैं, फ्रिज में से दूध निकालते हैं। आज तो मम्मा ने दूध भी खाली नहीं किया, पॉलीथिन में पैक किया ऐसे कैसे। हमारे आता है ये मतलब गाय का दूध आता है, और ये बहुत ही अच्छा हेल्थ के लिए, मतलब धेनुसार नाम है इसका, बहुत अच्छा दूध है। तो अब बनाएंगे सबसे पहले चाय। देख रहे हैं करणी माता की जो स्टोरी है, मतलब फिल्म है ना, एक राजस्थानी फिल्म है करणी माता पे है पूरी। तो मम्मी पापा वो देख रहे हैं आज। कहते ना नवरात्रि स्पेशल होता है हमारा हर चीज़। तो हम सब ने तो खा लिया है, और खा तो इन्होंने भी लिया है पेट भर भर के, लेकिन इनका ऑर्डर है कि मेरे लिए आलू की चिप्स बनाई जाए। तो अभी पहले इनके लिए आलू वगैरह छील रही हूँ और उसके बाद इनके लिए चिप्स बनाऊँगी, फिर देखते हैं क्या करना। मुझे इतनी भयंकर वाली नींद आ रही है, सुबह 5 बजे से हम लोग उठे हुए हैं नवरात्रि स्थापना की वजह से, तो सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं और अभी बज रहे हैं आई थिंक 10 बज रही है, और अब मुझे भयंकर नींद आ रही है। बट ऑर्डर है जो तो फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले ये बनाते हैं, उसके बाद मैं सोने वाली हूँ। और मम्मी पापा भी गए हुए हैं बाहर किसी काम से, तो वो तो लेट आएंगे, शाम तक आएंगे, तो ठीक है मुझे ही बनाना पड़ेगा, वरना मम्मा बना देते हैं इनके लिए। तो अभी मैं इनके लिए आलू की चिप्स बनाऊंगी और उसके बाद मैं थोड़ी देर सोने वाली हूँ। और सेंधा नमक ला के देना, क्योंकि मेरी ऑडियंस ने मुझे बताया था कि हाँ काला नमक नहीं खाते हैं जीजा, सेंधा नमक खाते हैं, तो आप मुझे सेंधा नमक ला के दो। वो ख़त्म हो गया है, देख लो मैं मेरी ऑडियंस की कितनी बात मानती हूँ ना गाइस। अब से मैं जब भी मेरा व्रत होगा मैं सेंधा नमक बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ, और सॉरी काला नमक बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ, और मैं सेंधा नमक ही यूज़ करूँगी खाने के लिए व्रत में स्पेशली। और गाइस, आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत सारा। आप लोग ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखना मेरे लिए, और होप मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लाने की कोशिश करूँ। और आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ आपको कैसे वीडियोज़ चाहिए, किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए, मैं वैसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। और अब गाइस आपको पता है डेली व्लॉग का मतलब क्या है, कि मेरा जो भी डेली रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ।
तो बस ठीक है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि अभी मैं स्टडीज़ भी अभी पढ़ाई कर नहीं रही हूँ, और नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है घर का बस अभी वही चल रहा है। ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं है मेरा डेली रूटीन। बट आप लोग अगर कोई स्पेशल वीडियो चाहते हो रिलेटेड टू, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कोई वीडियो चाहते हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, हैंडबैग से रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाने वाली हूँ आप सबके लिए, तो देखते हैं आगे। बट उसके लिए चाहिए आप लोगों में तो भैया। अभी बज रही है शाम के 3:30 और हम लोग सो के उठे थे अभी भी, और मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि जो वो सूट मैंने पहना था वो 4 मीटर ऑल ओवर सूट था, तो उसमें भयंकर वाली गर्मी लगी एकदम से। तो मैंने मेरे सलवार सूट वापस से चेंज कर लिए और अभी हम लोग करेंगे खाने पीने की तैयारी धीरे धीरे। अब हमारे पता नहीं पुलाव का क्या ट्रेंड चला है घर में, सबको पुलाव डेली खाना है आजकल, तो वापस से पुलाव बनाने हैं। और पनीर की सब्ज़ी बनेगी आज फिर से, और वही रोटी। तो सबसे पहले तो मुझे लग रही है अभी थोड़ी भूख लग गई है, अब मैं सबसे पहले जूस निकाल के पीऊँगी मौसमी का थोड़ा सा एक ग्लास, उसके बाद थोड़ी एनर्जी आ जाएगी काम करने जितनी। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले जूस और उसके बाद ही मैं कोई खाने पीने की तैयारी कर पाऊँगी। तो गाइस फाइनली जूस पी लिया है और अभी करेंगे सबसे पहले पुलाव की तैयारी, क्योंकि वो जल्दी से बन जाते हैं। तो सबसे पहले पुलाव की तैयारी करेंगे और उसके बाद करेंगे आई थिंक पनीर की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। पनीर की सब्ज़ी में आपको पता ही है बहुत सारे प्याज काटने पड़ते हैं, बहुत सारे टमाटर काटने पड़ते हैं, तो सबसे पहले मैं करूँगी पुलाव की तैयारी। तो चलिए मेरे साथ, जूस मैंने पी लिया ऑलरेडी, करते हैं पुलाव की तैयारी। जब मम्मा नहीं होते ना तो घर खाने को दौड़ता है, पापा मम्मा अभी दोनों नहीं है, तो बहुत अजीब लगता है ऐसे, मतलब बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, और वो अभी सो रहे हैं तो ऐसे ही मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो यहाँ मम्मा कर रहे थे पालक पनीर की तैयारी और मैं रेसिपी देख रही थी यूट्यूब पे तैयार करने की, कैसे बनाई जाती है और कैसे नहीं। मैं बना रही हूँ चावल, एक तरफ हमारा पालक उबल रहा था और दूसरी तरफ हमारे पुलाव बन रहे थे, तो दोनों चीज़ें एक साथ बन रही थी। और हमने खाना खा चुके हैं, बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ, मतलब मैं अब फ्री हूँ और सारा काम फिनिश हो चुका है घर का, क्योंकि आज था फास्ट तो सबने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। और मैं शायद खाना बनाने भी लगी थी आई थिंक 3:30 बजे ही, तो अभी तो हम लोग हो चुके हैं फ्री और अब देखते हैं क्या करते हैं। मेरा मन कर रहा है थोड़ा बाहर घूम के आऊँ, थोड़ा वॉक कर के आऊँ, काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए वॉक किए बेबी, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, आपको पता है सफाई वगैरह चल रही है आजकल, और अब फिर आज नवरात्रे, तो उस चक्कर में थोड़ा बाहर नहीं जा पा रहे। अभी मेरा मन कर रहा है चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, तो चलिए जा रहे हैं। अभी थोड़ा बाहर कोई काम आ गया था, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। शाम को बाहर निकलना अच्छा लगता है ना? नहीं नहीं क्या होता है, नहीं क्या होता है, शाम आती है क्या? शाम आती है बाहर जाना। तो हम लोग फिलहाल आए थे जूस पीने, क्योंकि आज वैसे फास्ट है, कुछ खा भी सकते नहीं है। ये चीनू जूस सेंटर बड़ा फेमस है यहाँ का, यहाँ पर आए थे। हाँ चले क्या हो गया? निम्बूस नहीं है क्या? होनी चाहिए यार। यार ये अच्छे हैं चीजें, मम्मा को दिखाने हैं। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं घर की तरफ, और अब तो घर जाना ही पड़ेगा, 8 बज रही है, काफ़ी घूम के आ चुके हैं ऑलरेडी। चले बाय गाइस, आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। तो चलते हैं हम, बाय, गुड नाइट।